देखिए जब गठबंधन कोई होते हैं तो आपको बताऊं एक नई चीज, आपने सवाल अच्छा किया। कल तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से भाजपा और कांग्रेस डरा करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी से सपा बसपा डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमजोर है तब न डर रहे हैं, ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दोनों इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए जब चुनाव आता है तो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गर्माता है, जब चुनाव नहीं रहता है तो फिर ये मुद्दे गुड़ हो जाते हैं। देश संविधान से चल रहा है और मंदिर और मस्जिद का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो जो न्यायालय फैसला देगा तब न कुछ वहां हो सकता है, या दोनों पक्ष रजामंद हो, आने जाने के लिए कोई छूट कोई रोक थोड़ा है। अभी तो लोग आए गए दर्शन पूजन कर रहे हैं, करें, कोई रोक तो किसी को नहीं है। और जो विपक्ष, विपक्ष है कहाँ आज के तारीख में, विपक्ष कहाँ है आप बताइए, कहीं दिखता है विपक्ष? विपक्ष की भूमिका कांग्रेस सपा बसपा इन तीनों की भूमिका अगर कोई अदा कर रहा है तो उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजवाल। सही बात। तो सर मैं नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, देश और प्रदेश समाज तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा होगी, जब उसको रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिले, वो बेहतरी तभी हासिल कर सकता है। और ये तो सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए एक बहाना है, आज अगर वो चेंज नहीं करने की बात नहीं होती तो आप भी नहीं चर्चा करते। तो दिमाग जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित हैं, एक भी नेता का नाम बता दीजिए देश में जो ये कहता हो कि गरीबों तुम अपनी लड़ाई लड़ो, तुम अपने शिक्षा के लिए लड़ो, तुम अपनी बेहतरी के लिए लड़ो, तुम रोजगार के लिए लड़ो, तुम नौकरी के लिए लड़ो, तुम्हारे रास्ते नहीं बन रहे उसके लिए लड़ो, तुम्हारा राशन कार्ड 72 साल की आजादी में अभी तक नहीं बना उसके लिए लड़ो, तुम्हारा आवास नहीं बना उसके लिए लड़ो, एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो नेता इनको बताता हो। लेकिन सार्वजनिक मंच से मोदी जी कहीं ना कहीं गरीब किसान इन सबका नाम लेकर के बात तो करते हैं, सबका विकास ऐसा है ना, हम तो 40 साल से देख रहे हैं, बड़ा नारा लगा कि नाम ले लेकर के काम तो हो जाता है, लेकिन आज के तारीख में आप उठा के देखिए धरातल पे क्या है। हमने कहा कि आईएएस और पीसीएस कोचिंग सेंटर खुले तो उसमें पाबंदी लगेगी, सवर्ण नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि शिक्षा में सुधार हो तो क्या सवर्ण में गरीब नहीं है, उनके भी बच्चे भी जाते हैं, तो क्या उनके लिए पाबंदी हुई कि वो नहीं जाएंगे? नौकरी निकलेगी तो जो उनका शेयर है उनका शेयर मांग रहे हैं। हम तो सड़क बनेगी, हम तो सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, तो सड़क पर खाली दलित तो पिछड़ा चलेगा नहीं, लेकिन दलितों के हित के साथ साथ अगर आप गरीब सवर्णों की भी चर्चा करें तो शायद एक अच्छे, शायद आपको आपको हमारी पार्टी की थ्योरी मालूम नहीं है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार परक शिक्षा की, ये शिक्षा लागू होगी तो खाली दलित और पिछड़ों को मिलेगा कि सवर्णों को भी मिलेगा।